करते हैं इंडिया 10 बजे की। लंबे समय से नाराज चल रहे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आखिरकार आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कैप्टन ने अपनी नई पार्टी के नाम का भी ऐलान कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को 7 पेज का इस्तीफा भेजा है। कैप्टन अमरिंदर ने अपने इस्तीफे में कांग्रेस आलाकमान की ओर से नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले पर चिंता व्यक्त की है। सोनिया गांधी को लिखा है कि एक दिन कांग्रेस आलाकमान को अपने इस फैसले पर पछताना पड़ेगा। साथ ही 7 पेज की अपनी चिट्ठी में कैप्टन ने कांग्रेस के साथ अपने कई सालों के जुड़ाव और मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए पंजाब के हित में किए गए कामों का लेखा जोखा भी पेश किया है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अपनी नई पार्टी का नाम का भी ऐलान कर दिया है। उनकी नई पार्टी का नाम पंजाब लोक कांग्रेस होगा। पार्टी का पंजीकरण चुनाव आयोग के पास अनुमोदन के लिए लंबित है। कैप्टन ने बताया कि पार्टी के 3 सिंबल चुनाव आयोग को दिए गए हैं, जिनमें से 1 सिंबल का चयन होना है। पार्टी की औपचारिक शुरुआत बाद में की जाएगी, उस वक्त पार्टी के विजन और एजेंडे को सामने रखा जाएगा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों की कमर कसती है। चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इसी के तहत आज आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने लक्सर में रोड शो निकालकर अपनी ताकत दिखाई। उन्होंने कहा कि अलग राज्य बनने के 2 दशक बाद भी आमजन के सपने व उम्मीदें अधूरी है। उन्होंने सत्ता में आने पर सपनों का उत्तराखंड बनाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि अलग राज्य बने 21 साल हो गए हैं, लेकिन भाजपा व कांग्रेस में से किसी ने भी उत्तराखंड के लोगों के सपने पूरे नहीं किए। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी प्रदेश में सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सूबे की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनेगी। उन्होंने प्रदेश में सरकार बनने पर हर परिवार के 1 सदस्य को सरकारी नौकरी देने, नौकरी मिलने पर हर बेरोजगार को 5,000 रुपये मासिक भत्ता देने, किसानों के पुराने बिल बिजली के बिल माफ कर बिजली देने, पहाड़ों से पलायन रोकने और सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड के लोगों को 80% आरक्षण देने का वादा किया है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी पूरी तरीके से कमर कस ली है और इसी क्रम में आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य जावरकर ने जानकारी देते हुए प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2021 के हिसाब से राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 78,46,000 है। प्रदेश में कुल 11,647 बूथ बनाए गए हैं और वोटर हेल्पलाइन के ऐप के जरिए भी वोटरों को ऑनलाइन सुविधा की जानकारी दी जा रही है। साथ ही प्रदेश में कोविड-19 को देखते हुए निर्वाचन आयोग की ओर से सभी तैयारियां की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में 500 अतिरिक्त बूथ कोविड को देखते हुए बनाए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 80 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग की सुविधा रखी गई है। साथ ही इसमें विकलांग लोगों को भी बैलेट पेपर के माध्यम से ही वोटिंग कराई जाएगी, जिससे उन्हें कहीं भी जाने की आवश्यकता ना आन पड़े। दिवाली पर युवाओं को मिला तोहफा, रीट परीक्षा 2021 का परिणाम हुआ जारी, लेवल 1 और लेवल 2 का परिणाम किया जारी। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 का आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष एवं रीट परीक्षा के समन्वयक डॉक्टर DP जारोली ने रीट कार्यालय पर किया। दीपोत्सव के पहले दिन धनतेरस के अवसर पर आज युवाओं को बड़ा तोहफा देते हुए परिणाम को जारी किया गया। डॉक्टर DP जारोली ने बताया कि दोनों ही लेवल में जनरल की कट ऑफ 7% रही, SC ST OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 55% रही, विधवा एवं परित्यक्ता तथा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी की 50%, दिव्यांग श्रेणी की 40% और शहरीय जनजाति श्रेणी की कटऑफ 36% रही। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के लेवल 1 और लेवल 2 का परिणाम जारी कर दिया गया और अभ्यर्थियों को पात्र घोषित किया गया। अब 10% एकेडमिक एडवांस मार्क्स जोड़कर शिक्षा निदेशालय की ओर से फाइल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष DP जारोली ने बताया कि यह परिणाम प्रोविजनल रूप से जारी किया गया है। राज्य सरकार के निर्देश पर 10% एकेडमिक जुड़ेंगे और इसके बाद फाइनल रिजल्ट शिक्षा निदेशालय जारी करेगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष एवं रीट परीक्षा के समन्वयक डॉक्टर DP जारोली ने परिणाम किया जारी। वहीं पास हुए परीक्षार्थियों को दी शुभकामनाएं, तो वहीं फेल हुए परीक्षार्थियों को भी कहा अगली बार पुनः करें प्रयास।
एक हफ्ते से भी लंबे दीपोत्सव कार्यक्रमों के साथ संसदीय क्षेत्र के दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज कोटा में लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय से पहले दीपदान महादान अभियान का शुभारंभ किया और बाद में अपने संसदीय क्षेत्र के दूसरे जिले बूंदी का रुख किया। इस दौरान कोटा से बूंदी के बीच में के पाटन समेत कई स्थानों पर बिरला के स्वागत में छोटे छोटे कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। बाद में बिरला ने इंद्रगढ़ और करवर समेत बूंदी के कई कस्बों का दौरा किया। इस दौरान बिरला ने इंद्रगढ़ में बिजासन माता के दरबार में जाकर वहाँ ढोक लगाई और बाद में उन्होंने सहस्रफणी पार्श्वनाथ जैन तीर्थ क्षेत्र का भी दौरा किया और वहाँ पर जैन संतों से मुलाकात करके उनका भी आशीर्वाद लिया। बाद में बिरला करवर कस्बे में प्रबुद्ध जन समारोह में भी पहुंचे, जहां बिरला की अगवानी करने के लिए और उनका अभिनंदन करने के लिए हजारों की तादाद में भीड़ जुटी हुई थी। बिरला ने इस दौरान लोगों से वादा किया कि मैं आपके भाई और आपके बेटे का रिश्ता निभाता रहूंगा और इसीलिए मैंने सारे कार्यक्रम छोड़कर दीपावली अपने लोगों के बीच मनाना तय किया है। खासकर किसानों से इस दौरान लोकसभा स्पीकर ने वादा किया कि हाड़ौती के किसानों को उत्तम गुणवत्ता का खाद और बीज उपलब्ध कराने का मैं वादा करता हूं। बाद में बिरला ने करवर में जनता दरबार भी लगाया और जनता के जनभाव विभागों की सुनवाई भी की। वल्लभ नगर और धरियाबाद उपचुनाव की मतगणना का कार्य हुआ संपन्न। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने चारों खाने भाजपा को किया चित। वल्लभ नगर में कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति शक्तावत तो धरियाबाद में कांग्रेस प्रत्याशी नगराज मीना ने शानदार जीत की दर्ज। मेवाड़ की दो प्रमुख सीटों वल्लभ नगर और धरियाबाद में हुए उपचुनाव में भाजपा चारों खाने चित हो गई है। वल्लभ नगर में जहां कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति शक्तावत ने 20,000 से भी ज़्यादा वोटों से जोरदार जीत दर्ज की, तो वहीं धरियाबाद में कांग्रेस प्रत्याशी नगराज मीना ने भी 18,000 से ज़्यादा मतों से विजय श्री हासिल की। आज इन दोनों ही उपचुनाव की मतगणना का कार्य संपन्न हुआ। दोनों ही विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस की जीत ने मेवाड़ में कांग्रेस को न केवल एकजुट किया है बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भी मजबूत कर दिया है। वल्लभ नगर विधानसभा में जहाँ भाजपा प्रत्याशी चौथे नंबर पर रहे, तो वहीं धरियाबाद में भाजपा के प्रत्याशी तीसरे पायदान पर रहे। दोनों ही चुनाव में भाजपा की हार ने मेवाड़ भाजपा को लंबे मंथन और चिंतन के लिए मजबूर जरूर कर दिया है। इन दोनों ही विधानसभाओं में जहां वल्लभ नगर में भाजपा चौथे नंबर पर रही, तो वहीं धरियाबाद में भाजपा तीसरे नंबर पर ही आ सकी और इन दोनों ही जगहों पर भाजपा को मिली करारी हार ने पार्टी के आलाकमान को सोचने और मंथन करने पर मजबूर जरूर कर दिया है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास भले ही जोधपुर प्रवास पर हों, लेकिन उन्होंने दो मामले को लेकर जो गंभीरता दिखाई है उस पर हर किसी का ध्यान गया है। जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास के संज्ञान में जब यह आया कि जोधपुर के वसुंधरा अस्पताल में प्रसूता दीपा कछुआ और जुड़वा की मौत कथित रूप से गलत इंजेक्शन लगाने से हुई है, तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और स्वयं प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेने के साथ ही चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव के अलावा पुलिस कमिश्नर जोधपुर और CMHO के अलावा अन्य अधिकारियों से इस संबंध में आवश्यक रिपोर्ट मांगी है। वहीं दूसरी ओर जोधपुर से ओसिया जाकर सरकारी अस्पताल का जब दौरा किया तो उनके होश फाकता उस वक्त हो गए जब वार्ड में गंदगी परसी हुई थी और साथ में जो बाथरूम थे और जहाँ पर मरीज सो रहे थे, जहाँ उनका इलाज चल रहा था, वहाँ गंदगी देख करके उन्होंने वहाँ के अधिकारियों को न केवल तुरंत मौके पर बुलाकर और कर्मचारियों के माध्यम से सफाई करवाई बल्कि CMHO से इस संबंध में आवश्यक रिपोर्ट मांगी। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि दोनों ही मामलों में जिस तरीके से राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने गंभीरता दिखाई है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो भी कमी जो सामने आ रही है उसको उठा रहे हैं और खासतौर पर जो जनता से जुड़ा हुआ सीधा मामला है या जनता के अधिकार हैं उसको लेकर जो सजगता दिखा रहे हैं, उससे लोगों में और अधिक विश्वास आयोग के प्रति बढ़ता जा रहा है।